हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अभिनव शर्मा स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल अभिनव शर्मा के ऊपर, और एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल के ऊपर। अभी मैं हूँ अहमदाबाद शहर में, गुजरात में, और रात का टाइम है, हैवी ट्रैफिक जो है जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो अभी ये जो जगह है ये है रिवर फ्रंट, सो साबरमती नदी के किनारे। आपको पता है पूरा अहमदाबाद शहर जो है वो बसा हुआ है। तो आज मैं आया हूँ वीकेंड के ऊपर रिवर फ्रंट को एक्सप्लोर करने। अब मैं जा रहा हूँ पैदल रिवर फ्रंट की तरफ, और ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की ये वॉक है जो मैं रिवर फ्रंट की तरफ करूँगा। और रिवर फ्रंट पहुँच के नज़ारा देखते हैं रात के टाइम पे। आप दिन में आइए, पीपल कम इन द मॉर्निंग, लोग सुबह बहुत आते हैं वॉक करने के लिए। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करना। बाकी वीडियो मैं आप कंटिन्यू करता हूँ वहाँ पहुँच के, क्योंकि यहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस ऑन द चैनल विद रिगार्ड्स टू ट्रैवल। थैंक यू सो मच। सो अब मैं पहुंच गया हूँ रिवर फ्रंट के ऊपर। तो ये जो है पूरा जो साबरमती के साथ साथ ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं साबरमती रिवर फ्रंट कॉम्प्लेक्स। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इतना कम रश तो नहीं होना चाहिए, और मुझे भी यही लग रहा था कि भैया इतना कम रश क्यों है, मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। लेकिन आज मुझे पता चला है कि यहाँ पे है एक खादी उत्सव, और पता नहीं शायद उसकी वजह से है या क्या है, लेकिन रिवर फ्रंट आज है बंद। सो अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, वीडियो तो मैंने शुरू कर दी, लेकिन मैं आपको रिवर फ्रंट के नज़ारे नीचे उतर के नहीं दिखा पाऊंगा। जो भी आप देख सकते हैं वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो बैकग्राउंड है वही आपको मैं दिखा सकता हूँ आज, लेकिन पूरा टूर मैं आपको नहीं करवा पाऊंगा, सो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन फिर दोबारा आएंगे और इसको कवर करेंगे। अभी मैं एक काम करता हूँ कि आई हैव टू गो समवेयर, और देखते हैं कि कहाँ पे और हमें ऑप्शन मिलता है। सो एक काम करता हूँ, मुझे लगता है कहीं और जाना पड़ेगा, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स सी, लेट मी फाइनलाइज कि कौन सी नई जगह को मैं एक्सप्लोर करता हूँ। अभी टाइम तो निकालना पड़ेगा कुछ और देखने के लिए। मैंने सोचा था कि यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये तो बंद है। तो चलिए खाने की कोई जगह ढूंढते हैं इंटरेस्टिंग सी, और वहाँ चलते हैं आपको लेके, और कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो वहाँ से। शुक्रिया। तो जी, एक्सप्लोर करने के लिए अब मैं आ गया हूँ फ्रिस्बी, और फ्रिस्बी जो है ये क्या है, तो जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है डाइनिंग एवेन्यू, और अपस्केल डाइनिंग एवेन्यू, मॉडर्न डाइनिंग एवेन्यू अहमदाबाद शहर के अंदर। तो जैसे आपने मेरी पहली बार वीडियोस में भी देखा होगा, अहमदाबाद के अंदर ऐसे बहुत सारे फूड जॉइंट्स हैं, और बड़े बड़े फूड जॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर तरह का कुजीन मिलेगा। और अब थोड़े मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ ऐसे मॉडर्न सेटिंग के अंदर ट्रेडिशनल मार्केट से निकल के ऐसे बड़े जो हैं फूड लोकेशंस अहमदाबाद के अंदर अब मिलने शुरू हो गए और दिखने भी शुरू हो गए। तो उन्हीं में से एक जो है वो है ताज होटल के साथ। ये मेरी बैकग्राउंड में आप पीछे देख रहे हैं, ये है ताज होटल। तो ताज के पास है फ्रिस्बी, FRIZB। तो जैसे मानेक चौक है वो ट्रेडिशनल सेटिंग के अंदर है, सो फ्रिस्बी जो है वो है एक मॉडर्न सेटिंग के साथ। यहाँ पे आपको पूरा एक कैजुअल डाइनिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, हर तरह का कुजीन मिलेगा, और जो मेरा फेवरेट है वो हमेशा की तरह है जामुन शॉर्ट्स। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को, और डिटेल में आपको दे देता हूँ। तो ये है बोडक देव जो एरिया है, या लोकेलिटी कह लीजिए आप वहाँ पे, और लैंडमार्क जो अगर आपको चाहिए तो देन यू कैन ऑलवेज कीप एज ताज होटल। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस जगह की वाइब को, और वीकेंड है आज, तो देखते हैं अब हम क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं, क्या क्या यहाँ पे मिलता है। तो कुजीन सारा ही है, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, मेडिटेरेनियन, लेबनीज, सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। चलिए बने रहिए मेरे साथ और एक्सप्लोर करते हैं फ्रिस्बी को।
जैसे अभी मैंने देखा डिफरेंट कुजीन्स, पंजाबी कुजीन आपने देखा, छोले भटूरे मिल रहे हैं यहाँ पे, और अभी एक तरह की आप कह लो, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या, ये कहते हैं रुमाली रोटी, बड़े साइज की, लेकिन चीज़ की जो थी उसमें फ्लेवरिंग थी और चीज़ था उसके अंदर। मैं तो पहली बार मैंने उसको ट्राई किया और क्या ज़बरदस्त चीज़ थी वो, पतली सी फ्लेकी सी रुमाली रोटी की तरह। और अब तब और ऐसी जगह पे इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए आना चाहिए आपको कि नई नई इनोवेटिव आइटम्स, नए नए क्यूज़ीन्स और रेसिपीज ये लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और बनाते हैं, और यही सारी चीज़ों के लिए ये जो फूड मार्केट्स होती है और पर्टिकुलरली फूड ट्रक मार्केट जो है वो फेमस होती हैं। तो चलिए अब आगे और एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्यूज़ीन और कोई यूनिक आइटम अगर मेरे को मिलती है तो डेफिनेटली आपको ट्राई करवाते हैं। मैं जी तो वही देख रहा हूँ अभी, मतलब हर चीज़ जो है यहाँ पे, अभी पंजाबी फूड है, चाट आपको खानी है तो चाट हाउस है यहाँ पे। पीछे मैं देख रहा हूँ जशुबेन शाह पिज़्ज़ा सैंडविच, और आपको पता है अहमदाबाद जब आप आओ तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू शुड ऑलवेज ट्राई इज़ द पाइनएप्पल सैंडविच और चॉकलेट सैंडविच। तो चलिए पाइनएप्पल सैंडविच और चॉकलेट सैंडविच बनाते हैं, या और कोई सैंडविच जो है अगर यूनिक रेसिपी इस बार ईजाद हो गई होगी तो वो भी खाने को मिल जाएगी, तो वो भी देखने चलते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा था इटालियन कुजीन की भी बहुत ऑप्शन है, और वो भी एक तरह से ऑथेंटिक कुजीन बनाने की उन्होंने कोशिश जो है वो करी हुई है। तो आपको लसानिया मिल जाएगा, रेवियोली मिल जाएगी, फेटुशिन अल्फ्रेडो, पिज़्ज़ा पास्ता। तो जी अपना फ्रिस्बी का जो टूर है उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और चलते हैं किसी और डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने गुजरात के अंदर। रियली आई लव द प्लेस, अमेजिंग वाइब। सो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप आ रहे हैं गुजरात अहमदाबाद तो एक बार फ्रिस्बी जो है फूड मार्केट जरूर आइए, एक्सप्लोर करिए रात के टाइम। अभी ऑलमोस्ट रात के 10:30 बजने वाले हैं लेकिन जगह की वाइब जो है बहुत ही सही है। अब कल है सैटरडे तो यहाँ पे और भी ज़्यादा म्यूजिक कॉन्सर्ट्स और इट विल बी अ ग्रेट वाइब। तो चलिए वीडियो को अपनी एंड करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं और एक्सप्लोर करने निकलते हैं किसी और जगह, किसी और डेस्टिनेशन को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।